Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is the occasion when we were waiting for this one. For the last 5-6 days, this flex was basically displayed. And it was the very first forum, that is an entrepreneurship forum, because entrepreneurship forum is basically being started for all the business students. Because Pakistan, which is ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है कि जो जॉब ढूंढने के लिए जॉब लेने के लिए स्टडी कर रहे हैं बल्कि हमें जरूरत है उन तमाम स्टूडेंट्स की उन बिजनेस ग्रेजुएट्स को डेवलप करने की कि जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करें और वो जॉब देने वाले बने दूसरों को जॉब दें जॉब सीकर्स बनने की बजाय जॉब क्रिएटर्स हों सो इस फोरम में हम मिस रोशन जफर यहाँ पे वेलकम करते हैं और मैडम रोशन जफर जो है इनका तारुफ मैं आपके साथ शेयर करता चला जाऊं मैडम रोशन जफर ने अपनी जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री कंप्लीट की यूनाइटेड स्टेट्स से और उसके बाद वर्ल्ड बैंक के साथ उन्होंने काम किया फॉर 4-5 इयर्स एंड देन यू नो ग्रामीण बैंक के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब से उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद उन्होंने कशिफ फाउंडेशन का क्याम जो है वो अमल में लाया कशिफ फाउंडेशन बेसिकली एक एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी थी जहां पे उन्होंने देखा कि वेमेन एम्पावरमेंट के हवाले से हमारी जो फीमेल एक बहुत बड़ा सेगमेंट है पाकिस्तान का कि जो अपने घर में बैठी हुई कुछ भी नहीं कर रही थी लेकिन उनकी जो पोजिशन थी वो बड़ी फैमिली की मिजरेबल पोजिशन में मौजूद थी तो उन्होंने क्या किया कि कशिफ फाउंडेशन के थ्रू ग्रामीण बैंक के कॉन्टेक्स्ट में स्मॉल एंड मीडियम जो फाइनेंसेस हैं वो स्टार्ट किए और उन खवातीन को कर्ज दिया जिनके पास कोई काम करने के लिए पैसे नहीं थे वो काम करना चाहती थी वो हुनरमंद थी लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे सो उनको इन्होंने फाइनेंशियल एड दी और दे स्टार्टेड अब तक 300,000 फैमिलीज कशिफ फाउंडेशन इज सपोर्टिंग आई थिंक सो पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ा सेगमेंट है और मैडम इस वक्त कशिफ माइक्रो फाइनेंस बैंक की एज ए प्रेसिडेंट काम कर रही हैं एंड शी इज यंग वेमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज ऑफ द वर्ल्ड एज वेल शी इज बीन अवार्डेड द यंग एंटरप्रेन्योर वेमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड फ्रॉम द स्टेट डिपार्टमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका And this is pride and proud for Pakistani nation as well. कि हमारी हम में से हमारी एक sister जो है वो इस level पर पहुंची है कि जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम का सर बुलंद किया है कि हम अभी भी हमारे अंदर जान है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम करना चाहें इसके लिए कमिटमेंट की जरूरत है इसके लिए enthusiasm की जरूरत है zeal and zest की जरूरत है और अपनी नेशन को मजबूत करने की जरूरत है स्पीरी यूनिवर्सिटी मैडम को मैं तारीफ कराता चला जाऊं कि स्पीरी यूनिवर्सिटी इसकी एज स्पीरी का कैम 2000 में अमल में आया 2000 में कलमा चौक में हमने अपना एक कैंपस ओपन किया एंड देन वेरी नेक्स्ट ईयर हमने एनओसी के लिए अप्लाई किया एंड वी वर ग्रांटेड एनओसी फॉर एज अ चार्टर्ड इंस्टीट्यूट एंड देन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से हमें चार्टर मिला 2004 में फर्स्ट कॉन्वोकेशन फॉर 450 पास आउट के लिए हमने इवान इकबाल के अंदर 2006 सेकंड ऑफ दिसंबर 2006 में हमने मुनक्कद किया उसके बाद 11 डिफरेंट सिटीज के अंदर अब हमारे कैंपसेस अवेलेबल हैं एंड सुपीरियर इज ग्रोइंग डे बाय डे एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान बिकॉज इस वक्त हम बिजनेस मैनेजमेंट में भी हैं एमबीए करवा रहे हैं बीबीए की डिग्री हम अवार्ड कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में हम मौजूद हैं कॉमर्स में हम मौजूद हैं इसके साथ एविएशन मैनेजमेंट में हम मौजूद हैं इसके साथ हम मैस कम्युनिकेशन में मौजूद हैं लॉ में मौजूद हैं मेडिकल साइंस में मौजूद हैं इंजीनियरिंग में मौजूद हैं सो ऑल सॉर्ट ऑफ फील्ड विच अ यूनिवर्सिटी मस्ट हैव वी आर अवार्डिंग डिग्रीज इन दोज एंड ऑल द रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान At the same time, we need to inculcate some of the skills which our students, our business graduates must have because the core idea is basically to impart the skills of an entrepreneurial
skills into the students, because as you said in the meeting with the faculty members, that Pakistan mein ek bahut bada segment khawateen ka hai ki jin ki zarurat hai ki wo kuch kare aur unko financial aid di jaye aur unko entrepreneurial skill di jaye. To main ye samajhta hu ki aaj ke seminar mein aap inshallah aziz un tamam mauzuat ko apne zair pes layengi. Kashif Foundation jaise kaam kar rahi hai, aap jaise din raat mehnat kar rahi hain, वैसे ही हमारी ये जो स्टूडेंट्स आपके सामने मौजूद हैं एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स दे आर नॉट फॉर एग्जांपल हियर ऑफ द अदर डिपार्टमेंट्स हाउ दे कैन बी एंटरप्रेन्योर्स हाउ दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेसेस हाउ दे कैन प्रोड्यूस यू नो मोर जॉब्स फॉर अदर पीपल नॉट दे आर सीकिंग दे आर यू नो इन द प्रोसेस ऑफ द डिग्रीज एंड दैट व्हेन दे विल बी अवार्डेड डिग्री एंड दे विल बी सर्चिंग फॉर सम जॉब्स they should be the entrepreneurs. Thank you very much. And without any interval, main madam Roshan Zafar se gulash karta hu ki wo dice pe aaye aur entrepreneurship, women entrepreneurship ke hawale se kuch bhi please. Thank you. Good afternoon, everyone. Assalamu alaikum. It's a pleasure to be here and to be with young people again. So I feel young myself this afternoon. Baat shuru hui thi job creation and job seeking se. If we look at Pakistan's overall economy today, there are 4.5 million job entrants every year. Is waqt hamari population growth, aapko pata hai there's a youth bulge, 65% of our population is at below 25 years of age. Iska matlab ye hai ki har साल तकरीबन 4.5 मिलियन यंग पीपल एंटर द जॉब मार्केट एंड दे आर सीकिंग जॉब्स सो कंपटीशन इज वेरी हाई फॉर एन इकोनॉमी टू अकोमोडेट 4.5 मिलियन इंडिविजुअल्स इन द जॉब मार्केट टुडे इट मींस इट हैज टू ग्रो बियॉन्ड 10%. डज एनीबडी नो वेयर हाउ द पाकिस्तान इकोनॉमी इज डन दिस फिस्कल ईयर? जी, किसी को पता है कि इस वक्त हमारी GDP ग्रोथ क्या है? Yeah, 2.5 or 2.4, that's right. Keeping that in view, hamari economy jo hai is waqt in sab logon ko jobs nahi provide kar sakti. So essentially we have to become job creators, we have to become entrepreneurs. The way I'm going to come at it is by sharing my own story. It's not an unusual story. If I had ever thought of it, I don't think I would have become an entrepreneur. Agar main sochna shuru kar deti to main business ke khachon mein itni phas jati ki maine entrepreneurship mein aana nahi tha. But I was 27 years old when I started Kash Foundation, so I really hadn't thought about it. So I'll share with you my story. Where did it all start? And in that I will also share with you some of the competencies that I had to develop when I became an entrepreneur. The first thing is that why did I start Kash? What was the reason for me to start this? I saw a business opportunity. An entrepreneur always sees a business opportunity. That's very important. At the same time, being a social entrepreneur, I was not a business entrepreneur. I wanted to bring change in society. I also saw a social opportunity. So that's a very different makeup of the decision that I made. I just didn't see a business opportunity. The business opportunity was that there were millions of women and poor families across Pakistan. In fact, 85% of Pakistan's population is my target market because they live at or below the poverty line. Anybody who has a cell phone today, 90 million people in Pakistan have cell phones, is also my target market. So the potential for microfinance in Pakistan is huge. So there is a demand for financial products in the low income segment. On the other hand, there is a huge burden that we are carrying as a country as far as poverty is concerned. We know poverty is an endemic problem. 34% to 40% of our population lives at abysmal poverty, while the remaining is what we call the working poor that are getting some money. So 40% are living at or below the poverty line, and 40% are working poor who are getting $1 to $2 a day. So essentially 85% of Pakistan's population is today unable to meet its basic needs. So that is where I started from. So for being an entrepreneur, the first thing you have to do is to see a business opportunity.
Now, for me, the social opportunity was much bigger, and there's a reason for that. I felt that as a Pakistani, I wanted to give back to society. I didn't, at that age when I started working, I was 22 years old and I joined the World Bank. I wanted to be a development economist and I wanted to work for the World Bank, and I wanted to be like anyone else, with a job. I could run my job, do my work, go home. And however, when I worked with the World Bank, I realized there was a lot of potential, but I wasn't working with the grassroots communities. That's what I wanted to do. So as luck would have it, as I told you, I was not a conscious entrepreneur. I happened to meet Dr. Muhammad Yunus at a conference. We were sitting at a World Bank conference on women and children organized by UNICEF in Islamabad. And I happened to be sitting next to an individual. We started talking. I turned to him, he turned to me. We had a conversation, and while we were conversing, he put his card in front of me. मैंने उस कार्ड को देखा और मैंने देखा कि उसके ऊपर लिखा हुआ है डॉक्टर मोहम्मद यूनस ग्रामीण बैंक. तो ऑब्वियसली मैंने उनके बारे में सुना हुआ था. तो आई सॉर्ट ऑफ स्ट्रक अ कन्वर्सेशन विद हिम. फॉर द नेक्स्ट टू इयर्स वी कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट हाउ डेवलपमेंट वाज नॉट रियली ट्रिकलिंग डाउन टू द बॉटम ऑफ द पिरामिड एंड व्हाट डिड वी नीड टू डू टू हेल्प स्पेशली वुमेन चेंज देयर लाइव्स. इन रिस्पॉन्स डॉक्टर यूनस वुड सेंड मी स्टोरीज ऑफ ग्रामीण वुमेन, of how a small $100 access to credit could change their lives, how that capital transformed the decision making, the social capacity, the self-esteem of women. And I would read these stories and it would amaze me that how could ₹8,000 mein ke sarmaye se logon ki zindagiyan kaise badal gayi, jabki main jin mansoobe pe kaam kar rahi thi wo $2-2.5 million ke mansoobe the water and sanitation ke, jinka jab hum community impact dekhte the to qatan kuch nahi hota tha. So it used to, there was a contradiction. He was very generous. I think another thing an entrepreneur must do is to find a mentor. Mentoring is very important. If you want to become a career oriented individual, if you want to run your own businesses, you must seek out mentors. I was lucky. I had many mentors in my life. I had my father. I had my godmother, Dr. Atiya Nayatullah. I had Dr. Muhammad Yunus, who was my professional mentor. So as an entrepreneur, it's also important to know that you don't have all the answers. And when I started in microfinance, I didn't have all the answers. In fact, the first thing I had to do was to change my own mindset. I used to believe that women entrepreneurship to hai nahi Pakistan. Microfinance mein aane se pehle, mera nazariya ye tha, kyunki maine kitabon mein bhi yehi padha tha aur jab main logon se baat bhi karti thi, to mujhe teen cheeze kahi gayi thi. Bangladesh se jab main Dr. Yunus se contact hua and I left my job and I went to Bangladesh and I spent 10 weeks there and I came back. And I thought about starting Kashf. So there were three things that people raised. They said there are no women entrepreneurs in Pakistan. Many people said that to me. Number two, they said you will not find women to work as field staff for you because Pakistan mein to mobility ka issue hai, khawateen. Bangladesh mein theek hoga, Pakistan mein nahi. Teesri cheez jo logon ne mujhe kahi, unhone kaha ke Pakistani jo hain wo to ghair diyanatdar hain, integrity nahi hai, इखलाकियात नहीं है, पैसे कभी वापस ही नहीं आने, मत करें ये काम, क्यों आप ये कर रहे हैं, आपको क्या क्या पड़ा हुआ है, जाने दें, क्या फ़ायदा. तो ये तीन चीज़ें लोगों ने मुझे बार बार कही, जिनसे भी मैंने बात की, मगर उसके साथ साथ इनकरेजमेंट भी बहुत मिली मेरी फैमिली से. सो यू रियली नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर, एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम डॉक्टर यूनस एंड एवरीवन एल्स. सो जब ये तमाम नेगेटिव्स मेरे सामने हमारे सामने आए, तो हमने सोचा कि इन पर रिसर्च करनी चाहिए और एक बिजनेस प्लान बनाना चाहिए और उस बिजनेस प्लान के स्ट्रेस टेस्ट करने चाहिए. अच्छी बात ये थी कि मैंने बिजनेस स्कूल में फाइनेंस भी पढ़ा था, तो मैंने उन कह लें कैपेबिलिटीज़ को, आई यूज़ देम, आई यूज़ दैट कॉम्पिटेंसी एंड आई स्पेंट 1995 जस्ट डूइंग रिसर्च ऑन वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप, द पोटेंशियल ऑफ माइक्रो फाइनेंस, द साइज ऑफ द मार्केट एंड एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस प्लान. And incidentally, this was quite exciting for us. That particular business plan that we put together, there was a business plan competition in Japan at that time, and we sent that business plan for that competition, and we won the first prize. So we got a lot of at that time we got a lot of encouragement
for no understanding that the business plan was there. So as an entrepreneur, the first thing you do is you identify your business opportunity. I'm sure you can all hear me. You identify your business opportunity. Secondly, you must get your business plan right. You have to have a strategy. And that strategy requires a great deal of financial analysis and business assessment. Number two, you have to question paradigms. हमारे केस में जैसे हमने मैंने आपको बताया लोगों ने कहा कि आपका पैसा कभी वापस नहीं आएगा खवातीन नहीं मिलेंगी खवातीन एंटरप्रेन्योर्स नहीं होती I'd like to share a story with you. The first time I went into the field and I went into a village which was about 25 miles out of Lahore at that time. It was towards Kasur. कसूर और लाहौर के रास्ते में आता था तो उस गांव में जब मैं पहली दफ़े गई तो मैंने जाते साथ जिस बाजार क्योंकि हर गांव जो है ना उसका एक सेक्शन होता है जहां पे लोग रहते हैं और फिर एक उसका मेन रोड होता है जिस पे मार्केट या शॉप्स होती हैं जहां पे सारी ट्रेड होती है तो मैं जब वहां पहुंची तो उस गांव में 25 दुकानें थी एक साइड पे और 25 दुकानें थी दूसरी साइड तो जब मैंने पहली दुकान ही देखी तो उसमें एक खातून थी जो परचून की दुकान चला रही थी तो मैं उसके पास गई मैंने कहा बाजी अस्सलाम वालेकुम सुशी सर अस्सलाम वालेकुम आई सेड बाजी आप अपने खावंद की दुकान पर बैठे तो वो हंसना शुरू हो गई उसने कहा तुम कहाँ से आई हो मैंने कहा जी मैं शहर से आई हूँ लाहौर से आई हूँ कहती मैंने पता सी तू लाहौर तो आई है तेनों कख नहीं पता कि असी किस तरह रहने हैं सो देन शी सेड मैं तुम्हें एजुकेट करती हूँ मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम मेरे जैसी कितनी एंटरप्राइजिंग खवातीन हैं जो इसी गाँव में और इसी बस्ती में रहती सो शी बिगैन टू काउंट द 20 अदर वुमेन And one began to realize that this was a myth that women were not working in Pakistan. In fact, when we look at the agriculture survey, which is done every year or every other year, the contribution of women to agriculture is 70%. Women are contributing 70% of the labor. The problem is they're not recognized and they're not paid for it. So what we realized is that we needed to set up an organization that recognizes, ratifies, and supports women's entrepreneurship and brings it out visibly. So the first element of being an entrepreneur for me was, another element of being an entrepreneur was changing my mindset. So I realized that there are women entrepreneurs. I realized when I advertised for loan officers that there were women who were willing to do field work. So even that myth was discounted. And in the first year when we made our loans, we started with 15 clients in 1996 September. As of today, we have helped 1 million businesses across Pakistan. Today, we have 300,000. We have disbursed over $300 million in loans, of which if you calculate the return on that investment, our businesses generated over 30% return on investment. So the 200 million that you gave as loans to women and as credit, that created 30% economic value in those communities. That's not where it stops. When we began to assess, we saw the economic value, but when we began to look at the social value of the change that was happening, we saw that many of our clients were, the moment they had money, they started giving better nutrition to their children, unko behtar khana muyassar ho gaya. Ek research humne ki 3 saal pehle dekhne ke liye ki jo clients humse hamare saath kaam kar rahe hain aur sarmaya leke business mein usko invest kar rahe hain aur jo clients nahi le rahe jo potential community hai jahan par karza hamara kaam nahi chal raha microfinance ka to wo kitne din bhooke rehte hain humne dekha jo hamari clientele hai usne kaha ki hum साल में 15 दिन ऐसे आते हैं जब हमें हमारे पास काफ़ी खाना मुयस्सर नहीं होता जब हमने यही बात नॉन क्लाइंट से की तो उन्होंने हमें बताया कि 1.5 माह साल में होता है जब उनके पास कुछ खाने को नहीं होता सो दी फूड सिक्योरिटी ऑफ माइक्रो फाइनेंस फैमिलीज वॉज मच हायर देन द फूड सिक्योरिटी ऑफ नॉन माइक्रो फाइनेंस फैमिलीज वी ऑल्सो सॉ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना द मोमेंट देयर वॉज मनी इन द फैमिली Women invest it on their children. They, as I said, they will feed them better, but they will also send them to better schools. What we began to see was, agar bachcha government school mein padh raha hai ya bachchi government school mein padh rahi hai, to jaise wafir miqdar mein aamdani aana shuru hui, to usko private school mein dal diya. So the demand for education, which was something that we have often said ke Pakistan mein nahi hai, that exists even at the low income level. We also saw. For example, that violence against women
आपको पता है हमारे माशरे में तशद्दुद जो है औरतों पे, ये बहुत बड़ा मसला है और ये हर तबके में, हम इसके बारे में बात नहीं करते अनफॉर्चुनेटली। हम हमेशा समझते हैं कि इसको कारपेट के नीचे ही डाल दिया जाए। हमने एक सर्वे किया था अपने ही क्लाइंट ग्रुप के साथ, हमें पता लगा कि तकरीबन 70% औरत जो है वो अपने घर पर पिटती है। तो वी रियलाइज दैट एज सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन वी नीडेड टू एड्रेस दिस। तो पहले हमने औरतों से जाके पूछा, हमने कहा हम इसका क्या क्या इसका सोल्यूशन है। तो उन्होंने कहा जी सानू तो कोई मसला नहीं है, तुम साढ़े मर्दा नाल गल करो। तो इस पे हमने फिर एक पूरा प्रोग्राम शुरू किया जिसको हम जेंडर ट्रेनिंग्स का प्रोग्राम कहते हैं। हम जो अपने क्लाइंट के स्पाउसेज हैं उनको हम जेंडर ट्रेनिंग्स देते हैं जिसपे हम ये सारी बातें करते हैं। फॉर एग्जांपल के वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का आप पे क्या इम्पैक्ट होता है, इज दिस गुड और बैड। वी टॉक अबाउट ऑल गर्ल्स एजुकेशन, वी टॉक अबाउट ऑल द जेंडर डिसीजंस दैट मेन एंड वुमेन हैव टू टेक टुगेदर, वी टॉक अबाउट सेविंग्स। तो हमने एक प्रोग्राम फिर फैमिली प्लानिंग वॉज अनदर एरिया दैट वी पिक्ड अप। सो हमने फिर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पर भी काम शुरू किया मर्द हजरात के साथ, बिकॉज वी रियलाइज दैट मैन एंड वुमेन हैव टू वर्क टुगेदर, वी कांट आइसोलेट वुमेन फ्रॉम सोसाइटी। सो वन ऑफ द अदर थिंग्स एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू डू, जो मैंने आपसे स्टोरी का अगला हिस्सा जब शेयर किया, इज इनोवेशन, तख्लीक। टेक द केस ऑफ IBM वर्सेज एप्पल, you must have read it as a business case, or take the case of Caterpillar and Komatsu. These are classic business cases where an institution that didn't or an organization and a company that didn't innovate didn't survive or didn't lost its market penetration and its market standing. तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ता है। जब हमने पहले काम शुरू किया था तो हम ग्रुप्स में करते थे, 25 खवातीन मिलकर एक दूसरे की हामी भरती थी। दिस इज़ नोन एज सोशल कोलैटरल लेंडिंग, एंड इन केस वन हैड अ डिफिकल्टी दी अदर्स वुड पे। विद टाइम वुमेन स्टार्टेड सेइंग टू अस कि जी हम अब 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अब हम थक गए एक दूसरे की हामी भरते हुए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, अब हम आपके लॉयल क्लाइंट्स हैं, अब हमें डायरेक्टली हमारी क्रेडिबिलिटी बन गई है, सो लेंड टू अस डायरेक्टली। सो अबाउट 3 years अगो वी स्टॉप डूइंग ग्रुप लेंडिंग, नाउ वी गिव इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स लोन्स एंड वी डू अ कैश अप्रेजल बेस्ड लेंडिंग मेथोडोलॉजी, which means that we actually analyze the business that we are supporting and we actually advise the client on how to grow their business. So another thing that an entrepreneur must do as they evolve is to really be connected to their clients. So agar aap ek business shuru karna chahte hain, aapko har stage pe aise systems banane ki zarurat hai ki aap apne clients ko